ये मेरे ऑफिस के बैक साइड में जहाँ ये खचका है, यहाँ बहुत सारे कबूतर हैं, बहुत सारे कबूतर। ये कबूतर, इनकी कहानी 10,000 साल पुरानी है। मनुष्य जाति जब से है, ठीक उतने ही पुराने शायद, या उससे भी पुराने हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इतिहास झाँकेंगे तो 10,000 साल पुरानी कहानी कबूतरों की है। देखिए, यहाँ खचके हैं और कुछ खाचे हैं जहाँ पर ये रहते हैं। किसी क्या कहते हैं, अगर आप ये एसी के डक्ट सो रहे हैं, एसी के डक्ट में रहते हैं, देखिए बड़े प्यार दुलार से रहते हैं। पिजन कहते हैं इसे, ये होमिंग पिजन इस आम नाम से जाने जाते हैं। हालांकि ये जो वाइट पिजन होते हैं, इनसे बड़े अलग होते हैं, ये बड़े पेट होते हैं और इन्हें कई बार शर्तियाँ लोग खेल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, इन्हें पाला जाता है। लेकिन ख़ास बात यह है कि जब ये आते हैं तो कबूतर जा 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 ये गाना याद आता है। जी हाँ, लेकिन इस बिल्डिंग में अगर मैं देखूं तो इन्हें रॉक पिजन कहा जाता है। रॉक पिजन यानी रॉक में पाए गए, लेकिन अब रॉक बहुत कम हो गए। एक बादशाह यहाँ खड़े हैं, देखिए पिजन और पिकॉक आपको लगभग एक जैसे दिखेंगे। कहीं तो भी इनकी नाक सामने आती है, इसलिए ये एक आँख को तिरछा देखने की कोशिश करते हैं जब वो ऊंचा देख रहे हैं या नीचा देख रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बादशाह, और उनकी पूंछ भी उतनी ही कलरफुल रहती है, स्ट्राइप्स रहते हैं। ये दो इश्क फरमा रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं। एक ख़ास बात, कबूतर जब हम इनके विषय में बात करते हैं तो आप अक्सर देखेंगे कि कबूतर जा जा एक गाना तो याद आता है, लेकिन कई बार कई लड़ाई में कबूतरों ने इंसानों की जान बचाई है। और अक्सर ये जब लड़ाई में इनके इनको बांध कर एक मैसेज पहुंचाया जाता था एक जगह से दूसरी जगह, तो तब एक स्टडी और सर्वे किया गया है। और उस स्टडी और सर्वे में ये पाया गया है कि ये इनमें मैग्नेटिक सेंस होता है, इसलिए ये ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पहचानते हैं, लोकेशन बहुत अच्छे से पहचानते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं नीचे भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं इस पूरे खचके में। जहाँ नीचे से आप ऊपर तक जाएंगे, आपको हर जगह पर ये नज़र आएंगे। और अब शाम का वक्त हो रहा है, करीब करीब 4 बज रहे हैं, तो इश्क फरमाते नज़र आएंगे। ये एक जगह से दूसरी जगह बड़े आसानी से जा सकते हैं, 1,000 किलोमीटर तक ये अगर गए तो वापस आ सकते हैं। तो इनका मैग्नेटिक सेंस बहुत अच्छा होता है एक, और दूसरा ये सूर्य के क्लॉक को समझते हैं। तो यदि ये सूर्य ने कभी धोखा दिया और बादल आ गए, तब भी कबूतर बराबर अपनी उस सेंस से, उनके कंपास सेंस से, उनके मैग्नेटिक सेंस से ये अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। ये खूबी होती हैं, और बड़ी विडम्बना की बात है कि ये आज कहीं ना कहीं अपनी जगह देख रहे हैं। ख़ास बात, अगर ये अंडे दें, और मादा अगर अंडे देती हैं और कभी किसी ने इस अंडे को छेड़ा, तो ये बड़े गुस्सेले होते हैं और कभी भी नुकसान कर सकते हैं। तो एक ख़ास बात, जब इन्होंने बहुत लोगों की जान बचाई तो हमारे आर्मी ने डिसाइड किया कि इनके नाम पर भी पदक होने चाहिए जो स्पेशली इनको डेडिकेट करते हैं। तो एक बड़ा पीस लविंग एनिमल है। अगर हम ओलंपिक्स में देखें या किसी भी खेल में देखें, तो पिजन को रिलीज़ करना ये एक बहुत बड़ी साइन होती है। एक ओपन ओलंपिक्स करना है या फिर ओलंपिक्स की शुरुआत कर रहे हैं, तो एक पीस जहाँ बहुत सारे देश आते हैं। आप देख सकते हैं कि प्यार वाला सीन चल रहा है और दूसरे देख रहे हैं, तो स्पेक्टेटर भी वही हैं और प्रेमी प्रेमिकाएँ भी यही हैं। एक बड़े जो बादशाह इतने पास में है, जो पिजन और पिकॉक दोनों को दर्शाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे बादशाह वापस आ गए। लेकिन अक्सर इनकी निगाहें एक तिरछी होती है, जिसकी वजह से और जगह पर घूमते हैं। इनकी पानी पीने की जो इच्छा शक्ति, एक साहब ऊपर थे, ये पास में, और मैं वापस वहीं लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पर ये वो सीन है जो आप देख रहे हैं। बड़े मस्त मौला होते हैं, गुटरगु की आवाज़ आती है। अक्सर मेरे जहन में ये बात होती है कि मैं इनके बारे में कुछ तो कहूँ, कुछ तो पढ़ूँ, कुछ तो बताऊँ। और जानवर कबूतर अक्सर इंस्पायर करते हैं इंसानों को। एक वो समझ में नहीं आ रहा उनके वो क्या चल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये है जो खेल चालू है, ये खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। और वहीं ऊपर में आप देख सकते हैं खचके में दो और इंतज़ार कर रहे हैं, शायद उनका टाइम आएगा और वो भी मस्ती करेंगे। अटेंशन गेनर,
बड़े प्यारे से पक्षी कबूतर, इनकी कहानी है। और ये रॉक पिजन कहलाने वाले आज कहीं तो भी, ये बहुत सारे खचकों में, इस पुराने ऑफिस में जो कि बहुत क्या कहते हैं टूटा फूटा है, और इमारत खुद दर्शाती है कि ये कैसा हो सकता है, और यहीं कहीं इनके रहने का ठिकाना है और इनके जीने का ठिकाना है। ये अपने आप को बहुत अच्छे से अडाप्ट कर रहे हैं, इसलिए इतने साल बड़े आसानी से जी पाए हैं। 10,000 साल से भी ज़्यादा इनकी पहचान है। पिजन, ओ पिजन, फ्लाई हाई एंड कीप इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस। ये एक साहब जिसको मैं सामने से लेना चाहता था, बड़े मुश्किल से एक जगह मिली जहाँ से मैं ये ले पा रहा हूँ और आपको बता पा रहा हूँ कि कितने अवस्था देखी है ये पक्षी कैसे रहता है। बड़े दुख की बात है। और यदि मैं आपको बता पाऊँ कि इनके देखने की जो स्टाइल होता है वो बड़ा यूनिक होता है। शायद नाक बीच में आती है, ये तो तय है, तभी ये बड़ा तिरछा देखते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। बहुत ही क्या बोलेंगे, मन भावन सा वो सीन होता है जब ये कहीं तो भी कोशिश करते हैं देखने की, तिरछा देखते हैं, बड़ा बहुत अच्छा लगता है। शायद इस वीडियो में अगर मैं वो कैप्चर कर पाऊँ कि वो कैसे देखते हैं तो मेरा सौभाग्य होगा। देख रहे हैं कहीं कहीं कोई डिस्ट्रैक्शन हो जाए। अब देखिए कैसे देखते हैं, गर्दन को सीधा करते हैं और वही टर्कोइज ग्रीन और मोर का जो कलर होता है वही आपको इस पिजन पे दिखेगा। और जैसे ही वो पीछे पलटते हैं तो आपको नज़र आएगा कि उनके पीठ पूंछ की तरफ काफ़ी स्ट्राइप्स हैं। और कुछ तो ये भी है, ये देखिएगा, ये बड़े प्यारे पक्षी होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। अब देखिए पानी कैसे पी रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं पानी देखता था अक्सर, अब किसी एक कबूतर को मैं पानी पीता हुआ भी देख रहा हूँ। और वो डक्ट है, वो एसी का डक्ट है, और उस एसी के डक्ट से जो पानी निकल के आ रहा है वह उनकी प्यास बुझाता है। तो देखने में और सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस अवस्था में ये रह रहे हैं और जहाँ रह रहे हैं कुछ इस ऐसी जगह पर रहते हैं, और अक्सर बिजी रहते हैं अपने आप में, अपने पंखों को ढूंढते रहते हैं कुछ और साफ़ करते रहते हैं। शायद वो कचरा साफ़ करते हों, उनका अपना तरीका हो अब सफाई का, हाइजीन का। और ये सब अभी भी लगे हैं, इनकी प्यास बुझी नहीं है और ये लगे हैं। पानी टपकना बंद हो रहा है, शायद हो सकता है इसी बंद हो, लेकिन लगे हैं साहब, ये लगे हैं। काश मैं एक बार आपको बता दूं कि देखते कैसे हैं। एक फिर चला गया अपने खचके में, दूसरा ये है, काश मैं आपको बता दूं ये देखते। हाँ ये देखिएगा, ये देखिएगा किस तरह से ये गर्दन को अपने घूमते रहेंगे। और आपको पूंछ भी नज़र आ रही होगी, जो मैं आपसे कह रहा था कि ऑलमोस्ट ज़ेब्रा जैसे स्ट्राइप्स रहते हैं। बहुत प्यारे प्यारे पक्षी होते हैं, देखिएगा अगर यहाँ फोकस है तो डेफिनेटली ये एक तरफ देखिए, ये देखिए जब वो नज़र गड़ाते हैं तो किसी एक आँख की तरफ उनका ज़्यादा जोर रहता है ताकि वो देख रहे हैं तो अच्छे से देख पाए। कहीं ना कहीं इनकी चोंच है जो बीच में आती है जिसकी वजह से ये देख नहीं पाते होंगे। शायद तो अगर सीधा मुँह और सामने देखना है तो आसान है, मगर कभी तिरछा देखना है तो वो एक आँख का सहारा लेते हैं। ये खासियत होती है, इन्हें रॉक पिजन कहा जाता है। और रॉक पिजन कैसे इस अवस्था में, बद हालत में, इस बिल्डिंग, झज्जर हुई बिल्डिंग में अपना आवास, अपना रहना ढूंढ रहे हैं और जी रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितने प्यार से ये झगड़ रहे हैं
प्यार कर रहे हैं एक दूसरे को, और यही इनकी जमात होती है कबूतरों की। कबूतर ऐसे ही होता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। जब दो मिलते हैं तो उनका लड़कपन ऐसा होता है। इट इज़ सो हार्टनिंग टू सी देयर। इससे पहले मैंने कई बार कोशिश की है इनके लड़कपन को, इनके प्यार को कैद करने की, लेकिन यहाँ बहुत सारे कबूतर होते हैं, ये पहली बार कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। The male may be overpowering the female, and that is what it is all about. It's a fight of maybe love, who wins over and who gives away. कौन बड़े इत्मीनान से ये बात छोड़ देता है और कौन पकड़ के रखता है। प्यार की परिभाषा कबूतर से कोई जाने। It is such a beautiful sight, really. ये शायद हम बड़ा यूनिक सा ये सिचुएशन है, और शायद हम बहुत समय तक नहीं देख पाए ऐसा कुछ। आंखों के सामने दिखाई नहीं देता है, बड़ा अनकॉमन सा है, क्योंकि मैं कई बार वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहा था और ऐसा नहीं मिल पाया। आज मिल पाया, इसलिए बड़े इत्मीनान से मैंने अपना कैमरा ऑन करके ये कैद करने की कोशिश की है। डर यह है कि कहीं ये लहूलुहान ना हो जाए। कोई तो बात है जिसको पकड़ कर ये ना तो एक भी इनमें से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऑलमोस्ट एक घंटे से ये लड़ाई चल रही है, और एक घंटे से ताकत की आजमाइश चल रही है। ऊपर एक साहब सवार है और एक तो आते जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये है कि बिल्कुल दुनिया से जुदा, इफरत पे है इनका प्यार।